करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमारे पास 1 kg का मास है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जगह पे इतनी है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको फार्मूला यूज़ करना होता है T=2π√m/k। मास अपन को गिवन है, अल्टीमेटली अपन को के फाइंड करना है। के फाइंड करने के लिए अपन को क्या एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, F=-kx, ठीक है ना, F=-kx, ये वाला फार्मूला अपन को यूज़ करना पड़ेगा और उसे अपन फाइंड कर सकते हैं के की वैल्यू। तो सबसे पहले उससे अगर F=kx यूज़ करना है तो मुझे उसके लिए F चाहिए। तो F निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, du/dx, मतलब U तो अपन को गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, इसका F आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, -d/dx लिखो और यहाँ पे U लिख दिया, डन। अब 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, और 5 cos 3x, मतलब d/dx को -d/dx को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसका तो 0 हो गया ऑलरेडी। तो 5 cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है, 5 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा -3x -sin 3x इंटू 3, ठीक है ना, और ये 5 एज इट इज़ आ गया। तो टोटल लग गया, हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 से तो -15 sin 3x आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये SHM होता है ना, ध्यान रखो SHM हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए होता है, यानी कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये बहुत छोटा है। तो साइन 3x को अपन सिर्फ 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, -15 × 3x बन जाएगा, तो -15 × 3x करेंगे तो -45x बन जाएगा। अब ये इन दोनों इक्वेशंस को हम रिलेट कर सकते हैं, F=-kx और F=-45x को। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया कि k की वैल्यू क्या है, 45, m1 है, k 45 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन और इसको सॉल्व करेंगे, √45 को √5 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।